गाइस तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया ना? तो गाइस आज किस ब्लॉग का शुरुआत कर रहे हैं गाइस, आज हम आप सभी को लेके आ चुके हैं एक सेमिनार पे, जो कि गाइस रूट प्योर कंपनी का है, जो कि ये रहा गाइस एंट्री टिकट और इसका प्राइस था, तो आप लोग को बता नहीं सकते हैं। जो आए होंगे वो समझ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। और आज की इस वीडियो पे पूरा एंड तक देखिएगा गाइस, बहुत ही मज़ा आने वाला है। जो कि गाइस आ चुके हैं फिर से, अभी फिलहाल इधर भाई लोग और ये गाइस अजीत सर का गाड़ी मर्सिडीज और इसके अंदर है। सो आज होने वाला है प्रोग्राम पूरा खतरनाक वाला, तबाही वाला, तो चलते हैं गाइस इसके अंदर और बहुत ही मज़ा आएगा। ये देखिए उपाधि में सभी लोग के बारे में जानते हैं, तो हम दहशे चेहरे पर मुस्कान और हाथों में घुटनों
की माला लाए हैं। तो देना करते हुए आता है शेर हम सब के रूप के कंपनी के डायरेक्टर महोदय और फिर सुधारा जा रहा हूँ उनके लिए जितना भी हो सके गर्म जोशी के साथ में उनकी स्वागत करेंगे और गर्म तालियां बजाएंगे और म्यूजिक मास्टर आप अपने म्यूजिक को भी काम रखेंगे। नमस्कार, कैसे आप सब? बढ़िया, मजा आ रहा है ना? अभी और नहीं आएगा क्योंकि अभी रूबी ने स्टेज पे आ रहा है। रूबी के बाद प्लेटिनम आएंगे, प्लेटिनम के बाद डायमंड आएंगे, डायमंड के बाद डायरेक्टर आएंगे। तो मजा तो आने वाला है दोस्त, और अभी बहुत मजा आने वाला है क्योंकि होटल का प्रमोशन भी होने वाला है। अभी बड़े सारे हमारे बीच में बैठे हुए जिनकी प्रमोशन है वो जल्दी से वेट कर लेंगे। मैं कब स्टेज पे आऊंगा? बिल्कुल एकदम आराम से बैठिए अपने सीट पे, आपका समय जल्दी से आ जाएगा और आप प्रमोशन लेंगे। आपकी पोस्ट आज फेसबुक पे जाएगी, आप फेसबुक पे डालेंगे अपने प्रमोशन के साथ। डायरेक्टर सर आपको प्रमोशन दे रहे होंगे, रूबी लीला को प्रमोशन दे रहे होंगे, फिर बेटा को प्रमोशन दे रहे होंगे, वो फोटो जो आप फेसबुक पे डालेंगे तो आपका वो दोस्त जो आपके साथ जुड़ने को तैयार नहीं था या वो लोग जो नहीं जानते थे कि आप गाय सेलिंग करते हैं, आज बहुत सारे लोगों का कॉल आपके मोबाइल में आने वाला है कि दोस्त आप करते क्या है, ये कोई पॉइंट कहां प्राइस मिला। उनको तो प्राइस समझ में आएगा, आपको प्रमोशन समझ में आएगा, उनको ये कुछ प्राइस मिला कहां मिला आप बताएंगे। रूट प्योर में मिला। अरे रूट प्योर क्या है? मुझे तो रूट प्योर करोड़ों करोड़पति बनाने का बिजनेस है। रूट प्योर क्या है? मुझे डायमंड बनाने का फैक्ट्री है। आज आपकी जो साउंड होगा, आज जो आपका आवाज होगा, शायद में भी आपने प्लांट होगा कर करके था कि आपने ज्वाइन नहीं किया होगा, बट आज आपका फोटो देख के लगता है कि आज ज्वाइन किया है। कोई बच्चा छोटी बात करता है इस उम्र की? कोई बच्चे छोटी बात करते हैं इस उम्र में? कोई बच्चे बोलते हैं मैं रिक्शा चलाऊंगा इस उम्र में? चाहे उसके पापा गरीब बहन अमीर है कोई भी है, वो छोटी बात को बच्चा नहीं करता। वो लड़की से पूछिए अगर ऐसा करता है बड़ी बड़ी बात करता है ना, करता है जी। बिल्कुल, यहाँ भी बड़े सारे बच्चे होंगे जिनसे अभी पूछिए क्या बन रहा है, तो छोटी बात करेंगे नहीं, बड़ी बातें करेंगे। लेकिन ऐसा क्या होता है, इस साइड और आगे करेंगे, ऐसा क्या होता है कि जब वही बच्चा इस उम्र में आता है, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, और उनसे पूछिए कि आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं, तो उनका सीधा सीधा फोकस जाता है कि सर किधर भी लटक जाए, कहीं छोटी मोटी नौकरी मिल जाए। फोकस तो ये अभी सीजीएल का एग्जाम है, कितने बच्चे एग्जाम देने के लाए होंगे? सीट शायद उस एग्जाम में सीट 1,000, 2,000, 3,000 रुपये झारखंड में दे रहे हैं। सीट क्या होगा? सीट फॉर्म कितने लोग भरे होंगे? एग्जाम कितने लोग दे रहे हैं? 94,00,000। सबको विश्वास है कि मेरा हो जाएगा, लेकिन होना कितने लोगों का? कितना सीट होगा? 1,000, 2,000, लेकिन लाखों लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, होना 2,000 का है, तो बाकी लोगों का क्या होगा? बाकी लोगों का क्या होगा जी? बाहर होंगे। लेकिन वहाँ एग्जाम देने वाले एक भी आदमी को ये भरोसा नहीं होगा, अगर उसको लगता मेरा नहीं होगा तो एग्जाम देना आता ही नहीं। हर आदमी जानता है कि मेरा 2,000 के अंदर मेरा नंबर आने वाला है, इसलिए मैं एग्जाम देने के लिए आया हुआ। किसी को यह बिलीव नहीं कि मेरा नौकरी हो जाएगा। सबसे पूछिए एग्जाम कैसा गया, फिर एग्जाम से कैसा गया, ये बहुत अच्छा गया, मुझे लग रहा है इस पर हो जाएगा। सबको कॉन्फिडेंस है कि मेरा हो जाएगा, लाख लोग फॉर्म भरे हैं, 2,000 का होना है, बाकी तो सबको पता 2,000 के बाद 2,001 का नहीं होना, वो 2,000 लोगों का ही होना, बाकी लोगों को कुछ नहीं होना, लेकिन उनको सबको बिलीव है कि मेरा होगा। उसी तरीके से इस उम्र में जो लोग हैं एग्जाम ही दे रहे हैं या इस उम्र के
लोगों से पूछी है क्या बनना चाहते हैं, उनके सपने मर गए। दिल्ली से जो पहले वाला फोटो दिखाया था उनसे पूछे तो ये बनूंगा, ये बनूंगा, वो बनूंगा, छोटी बातें नहीं करते, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। दिल्ली सूर्य में आके आदमी अपने सपने लगभग लगभग भूल जाता है। कौन डॉक्टर, कौन इंजीनियर, कौन वकील, उनके सपने मर गए। वो तो बस चाह रहे किधर भी लटक जाए, किधर भी कोई छोटा मोटा मिल जाए। आप भी देखते होंगे एमबीए का एजुकेशन, एमबीए का डिग्री लेंगे मैं तो उसको साफ बात होता है हराम को। जब तेरे को एमबीए का छेला काटना खर्चा करना ही था बाप का, तो तू फिर जाकर फोर्थ ग्रेड का होगी। गलत बोल रहा हूँ? तू जब एमबीए का सपना देखा था कि मेरे को एमबीए करके नौकरी लेना था, बड़ा नौकरी थी, फोर्थ ग्रेड में कहाँ जा रहे हो? वो क्या सोच रहा? कुछ भी मिले चपरासी का फोन लेगा, कुछ भी मिला तो दोस्त होता क्या है कि यहाँ तक आते आते लोगों के सपने मर जाते हैं। विजय भारती से में बिता के रखेगी। और ये जो पैसा है ना, जो एक सवाल आता है कि पैसा सभी को प्यारा है लेकिन सभी को आराम से चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए। और इस बिजनेस में भी पैसा आराम से ही आता है। और नहीं विश्वास है तो मैं अमित सर को जानता हूँ, इस कंपनी के सबसे टॉप लीडर से हैं। अभी वो गोवा में बैठे हैं और हर महीने 10-12-15 लाख रुपये उनका कमाई है। जब वो मेहनत करते थे तो 10-12-15 हज़ार से कमाने में जाते होंगे सर। और आज जब उन्होंने एक अच्छा नेटवर्क बना लिया, नेटवर्क बनते कैसे हैं, कैसे बनते पता है? अजीत चौधरी आया, बिजनेस में काम किया, 2000 का बोनस मिला उनको। सांसद विजय भारती को भी दिखाई दिया, अजीत सर को मिला, चलो हम भी चलते हैं, हमें भी 2000 का बोनस मिला। फिर अजीत सर 5000 का बोनस, कौन सा लेवल सुनील देव? अजीत सर आगे करते जा रहे हैं, हम सब पीछे देखते हैं। एक ही बात विश्वास करना है कि अगर कंपनी अजीत सर को दे रही है तो हमें भी पैसा देगी। ऐसा कोई बयान नहीं कि अजीत सर उनका अच्छा रहते और हम उनके दुश्मन हैं। तो इन पर आकर आपको आपके सपने, आपकी जिंदगी चाहिए है, एक ही काम करना दो। अगर आपके आसपास कोई भी आदमी बोनस को टच किया ना तो आप भी कर सकते हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ तो मेरे आगे वाला फैन भागने वाला नहीं, मेरे आप आगे वाला अपना है ना, नई नई परेशान बातें करते जा रहा है। जैसे कि सामने जब यहाँ पे जमीन नहीं है तो सामने गाड़ी लगी हुई है, इसकी कीमत कितनी है? 1.8 लाख कितना आसानी से बोलते हैं ना, लेकिन एक दिन में बैठे बैठे बोल रहा था 100 करोड़ 8 लाख रुपये एक करते हैं तो 108 लाख की गाड़ी बता देते हैं। बात काम सुनाता अच्छा हुआ बदल गया था, नहीं तो परसों सोचते रहते हैं परसों वाले पहले। कहने का मतलब है कि हमारे अंदर कितनी काबिलियत है, कितनी खूबियाँ, इससे क्या फर्क पड़ता है यार। जिंदगी कहाँ 12 टीचर से आईफोन मायने रखता है ना, 12 टीचर से बाहर अगर कभी बाहर लेके नहीं आया मैं 12 लाख की किया था इसके पहले वर्मा का 8 का टॉप मॉडल। आज जिंदगी बदलती नहीं है, अगर किसने जिया है छोटी छोटी चीजों में देख के बकाया मेरे जो आए ना वो गए, वरना इससे बेहतर और इससे आसान रहेगा। मैं 12 टीचर में कितनी काबिलियत हो गया आपको भी पता होगा। और मेरे से अच्छे अच्छे कार्य के लीडर लीडर ही लोग गए हैं आज भी 12 टीचर में। आप खड़े हो जाए तभी मैं सबको वेलकम करूंगा, वरना मैं बुलाने वाला भी नहीं। जो लोग बैठे बहुत सी तकलीफ थे, अब हमारे पास ऐसे कोई और बच्चे भी नहीं है। क्या सारे लोग रेडी है? क्या सारे लोग रेडी है? क्या इधर से आप लोग उधर से शिकायत आ रही है कि सर उधर देखते इधर देखते नहीं करते, कोई भी मैं नहीं दिखाई दे रहा, क्या तैयार है सर? कोई भाई कर दो, सारे लोग तालियां बजाएंगे, म्यूजिक बजाएगा ना, मुझे धोखा दे दे लेकिन आपकी तालियां कभी होनी चाहिए। तो मैं
वो कह रहा मैं डालता नहीं अच्छा नहीं
मैंने सिर्फ ये काम किया कि संगति चेंज किया, एक मेंटर बन चुका। प्रवीण सर ने जो किया मैं, प्रवीण सर ने पहली बात कर रहा, मैंने योग कर रहा, प्रवीण सर ने कर रहा अमली, प्रवीण सर ने पोस्ट विस्टा कर रहा, मैंने इंपोस्ट कर रहा, प्रवीण सर ने ऑडी कर रहा, मैंने ऑडी एफी कर रहा, प्रवीण सर ने अभी ऑडी सिक्स करते हैं, अजीत चौधरी सर ने एक प्रभावकारी मजबूरी कर दी। लोग बोलते हैं कैसे बदलना, बदलने में कुछ नहीं करना, एक मेंटर की हैबिट हो चुकी है, उनकी आदत को देखो कितना भीड़ भाड़ पानी बनाते जाते हैं, जियो सिंह वाले भीड़ भाड़ पानी बनाते हैं, लाइक भीड़ भाड़ पानी हाई स्कूल में इनकम करके तो रोज और 1,250 रुपये का चाय पीने जाते हैं, पानी का और उसको अपने जीवन में उतारता हूँ, खरीदों में करोड़पति बन सकता हूँ। आवाज कैसे हो? कितने लोग बनना चाहते हैं करोड़पति? ऊपर हाथ पकड़ दो। बनना चाहते हैं? आवाज चाहिए। बनना चाहते हैं? दोनों हाथ हाथ बचा के क्या करोगे ठाकुर जी? बनना चाहते हैं? ऊपर आपको नसीहत दे पाऊंगा, आपको उससे ज्यादा मैसेज भी दे पाऊंगा। एक बात करते हुए उसके बाद 17 साल मैं
काम किया, डायरेक्टली में जाकर जीवन किया, वो भी वो बात में मैं अपने बारे में सबसे पहला गुरु की ओर थोड़ा सा प्रयास स्टार्टिंग कर देना होगा। कोरोना काल में कोरोना काल में जहाँ पे लोग एक दूसरे से मिलने नहीं थे, घर घर में अलग अलग तरह को सकते नहीं थे, सर्दी भी आते थे तो हमें भी बीमारी ना हो गया, वहाँ पे लोग क्या होगा और वहाँ पे ऑफिस लेकिन रोज करो पागल बना, आप मेहनत किया, तीन बार एक कर दिया,